तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका सक्षम द सक्षम ब्लॉगर और आज मैं करने वाला हूं वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन। आपने थंबनेल में देख लिया होगा मैं क्या करने वाला हूं। तो पहला हम करने वाले आइसक्रीम प्लस सोडा। ये रहा, आइए ये देखिए, ये पढ़िए मेरी राजभोग आइसक्रीम और ये रहा लेमन सोडा। तो आज इसके साथ हम लोग पहले टेस्ट करते हैं। पहले आइसक्रीम को निकाल लेता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी आएगा वीडियो। डाल दिए, आइसक्रीम पिघल चुकी है, पिघल जाएगी तब मैं बोला तब खाऊंगा, नहीं तो पूरी आइसक्रीम ऐसे ही पिघल जाती। अब आइसक्रीम निकाल लिया, अब सोडा। लाइक कीजिए अगर आपके लिए इतना करता हो तो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए डालते हैं सोडा। देखिए गाइस, गया गया गया, बस 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 भाई बस, मैं ऐसे इतनी हिम्मत नहीं खाने की। तो मिक्स कर देते हैं सोडा, देख सकते हो आप ऐसे तैल रहा है। तो आपके लिए मैं करता हूँ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो खाता हूँ और बताता हूँ। नाइस यार, ये मैंने इंस्टाग्राम पे से लिया है, इसलिए बोलता हूँ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, मैं इंस्टाग्राम पे डालते रहता हूँ, आप भी मुझे दे सकते थे। खतरनाक, बहुत जोरदार है आइसक्रीम प्लस सोडा, तो मैं तो पूरा खत्म कर दूंगा। चलते हैं दूसरे की तरफ। तो गाइस अब आ चुके हैं हम लोग दूसरे के अंदर। तो दूसरा है हम लोग का मैगी प्लस सोडा। ये रहा हमारे पास मैगी पड़ा हुआ है और सोडा तो पहले से बच गया था, तो अभी मैगी और सोडा बनाएंगे। तो कुछ करना नहीं है ज्यादा, खाली पानी के जगह डालना है सोडा और डाल लेते हैं सोडा। कितना डालते हैं साक्षी बताना? बस बस थोड़ा सा और डाल लेते हैं, दिखा दे। तो गाइस देखिए सोडा डाल दिया है, अब डालते हैं मैगी और इसको बनाते हैं और टेस्ट करते हैं। मजा आएगा, ये भी मस्त रहेगा, लग रहा है दिखाएगी पागल। थोड़ा सा और डालना है साक्षी सोडा, हाँ देख ले। तो गाइस मैगी डाल दिए, थोड़ा सा और डाल देता हूँ सोडा, बस। तो चलिए गाइस मैगी और सोडा डाल दिया है, तो बना के आपको दिखाता हूँ, टेस्ट करते हो। तो गाइस अब ये देखो ये बन रहा है, क्या बोल रही है, इसमें रंग नहीं चढ़ेगा, रंग तो नहीं चढ़ेगा ना, सोडा डाला है। तो अभी मैं आपको आगे का बता देता हूँ, आगे है मैगी प्लस गुलाब जामुन और मैगी प्लस रसगुल्ला, तो वो भी बनाएंगे और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये गाइस इतना पक चुका है, बस पकने वाला है, फिर प्लेट में निकालते हैं और टेस्ट करके आपको बताता हूँ सोडा वाली मैगी कैसी लगती है। मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है इसलिए। तो चलिए मिलता हूँ आपको खाते वक्त। तो गाइस ये रहा सोडा मैगी तैयार हो चुकी है, अब साक्षी बना रही है एक मैगी क्योंकि रसगुल्ला और गुलाब जामुन डाल के खाने के लिए। तो साक्षी ये बना रही है, फिर अभी साक्षी यहाँ बना के रखती है, उसका फिर हम लोग ये टेस्ट करते हैं, तब तक इसको ठंडा होने देते हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो गाइस ये देखिए सोडा मैगी तैयार हो चुकी है, तो चलिए टेस्ट करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं मैगी लवर हूँ, मैगी लवर नहीं हूँ। तो चलिए एक बार खा के देखते हैं। तो गाइस मैं टेस्ट किया और पूरा लेमन, मतलब सोडे का स्वाद आ रहा है, लेमन सोडे का, तो बहुत घटिया है, बहुत घटिया है, बहुत घटिया है। नॉट ट्राई दिस, तो इसको तो अभी फेंकने वाला हूँ मैं। तो अब गुलाब जामुन मैगी ट्राई करेंगे, देखिए पकड़ा है वो। तो गाइस ये तो बहुत, तो गाइस ये तो बहुत घटिया था यार। तो चलिए अब उसके टाइम मिलते हैं। तो गाइस ये देखिए रेडी हो चुका है, पास में आइए, ये देखिए रसगुल्ला ये रहा, गुलाब जामुन ये रहा, तो इसको मिक्स करते हैं। तो चलिए पहली बाइट लेते हैं और आपको बताता हूँ मैं गुलाब जामुन के साथ। ये गुलाब जामुन के साथ देखिए मैगी, आप गुलाब जामुन के साथ मैगी पहले। इतनी घटिया नहीं है फिर भी घटिया है, अब रसगुल्ले के साथ। रसगुल्ले के साथ मस्त है, गुलाब जामुन के साथ घटिया। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए, होप कि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता है जब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कर लव यू ऑल।